हरे कृष्णा। कई बार लोग हमारे पास आते हैं दुखी अवस्था में, जिन लोगों के दिल या प्यार टूट चुका है, और ऐसी अवस्था में बहुत डिप्रेस्ड अवस्था में पहुंचते हैं हमारे पास और पूछते हैं कि क्या इलाज है। कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं हमारे पास, और कुछ लोग जो नहीं पहुंचते वो कुछ गलत काम भी कर देते हैं। अधिक प्यार में होना, उसके बाद दिल टूट जाना या उसका धोखा दे देना, ऐसी अवस्था में लोग तुरंत जो हैं कोई गलत से गलत काम कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरे पे एसिड फेंक देते हैं, या खुद कुछ ऐसा कर लेते हैं, नसें काट लेते हैं। घर वाले जिन्होंने उसको बचपन से पाला, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और अब अचानक एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से कई लोग और परेशान हैं, कई परिवार और परेशान हो गए। तो क्या करें जब ऐसी अवस्था में, जब किसी से प्यार करते हैं, जिसके साथ कस्में खाए थे रहने के साथ, जिसके साथ घूमे थे, जिसके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ानी थी, अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि अब दिल टूट गया है, अब प्यार टूट गया, वो प्यार आपका नहीं रहा, या वो किसी और से प्यार करने लगा है या लगी है। ऐसी अवस्था में जब दिल टूट जाए तब क्या करें? कई लोग आते हैं हमारे पास प्रवचन के बाद, पूछते हैं जी हम क्या करें। तो ऐसी अवस्था में हम देख सकते हैं कि जीवन समाप्त नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है संसार में। हमारी जो हैं सांसें जब तक हमारे पास हैं, शरीर जब तक हमारे पास है, तब तक तो हमें शरीर में रहना है। अगर इसको पहले मिटाने की कोशिश करेंगे तो बताया जाता है कि सुसाइड जैसे केसेस में लोगों को प्रेतात्मा जैसी योनि मिलती है, और वो बेचारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीरों में एंटर करता है, तो वो अवस्था भी बड़ी दयनीय और पीड़ात्मक है। इसलिए ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं जो आपको शरीर ख़त्म करने के लिए या किसी दूसरे को ख़त्म करने के लिए आपको प्रेरित करे ऐसे विचार। तो बताया जाता है कि जीवन बहुत सुंदर चीज़ है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है कि हमें मनुष्य देह मिला। अब इस देह का सही इस्तेमाल जानना चाहिए। हम जानते हैं कि वातावरण इतना ज़्यादा उद्वेकित है, प्रोवोकिंग है, आसपास हर जगह केवल और केवल प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द ही सारी इंडस्ट्री घूम रही है, सारी सिविलाइजेशन घूम रही है, इसलिए हमारा उन विषयों के प्रति आकर्षित होना बहुत सहज सा है। प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, परिवार में इन विषयों पर चर्चा ना होने की वजह से, और स्कूल में को एजुकेशन होने की वजह से, या अन्य जो हैं संसाधनों की वजह से हम लोग आकर्षित होते हैं और तुरंत कुछ समय के बाद दिल दे बैठते हैं ये कहकर कि मेरा पहला प्यार है और ऐसा। लेकिन देखा जाता है कि जो लोग इस प्रकार प्यार में पड़ जाते हैं, जिस समय तक वो प्यार में रहते हैं, कई बार वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाते, अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, उसका एक तो इस तरह से नुकसान होता है। और अगर ऐसी अवस्था के बाद जब प्यार हो गया, ज़्यादा बढ़ गया और टूट गया, तो कई बार देखा जाता है, इस प्रकार न्यूज़ में सुना जाता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या दूसरों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, या शादी में जाकर, अगर उसकी कहीं और शादी हो रही है तो वहाँ जाके गोली चला देते हैं। तो ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने गुस्से में आकर या दुख में आकर एक स्टेप उठाया जिसमें आपने अपना नुकसान किया या अपने प्राणों को त्याग दिया। तो परिवार वाले जीवन भर रोते रहते हैं, मित्र संबंधी सब परेशान रहते हैं। या फिर अगर आपने कुछ ऐसा गलत काम उठा दिया जिसमें दूसरे को मार दिया, तो उस छोटे से एक्शन की वजह से आप लगभग 14 साल या पूरा जीवन जेल में सड़ते हैं, और फिर हमेशा रिपेंट करते हैं कि मैंने उस समय ऐसा क्यों किया। लेकिन उस समय आपको ये लग रहा था कि ये काम कर देना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में पश्चाताप किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब हम रजोगुण में होते हैं, जब जब ऐसी उद्वेगित सिचुएशन में होते हैं जो हमें प्रवोक करती है कुछ भी करने के लिए, ऐसी अवस्था में हमें तुरंत किसी भक्त की शरण में जाना चाहिए, बड़ों की शरण में जाना चाहिए, टीचर की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनके नामों की शरण में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इस अवस्था से बाहर निकालें, और कुछ समय के बाद शांति से विचार करना चाहिए। बड़ों के संरक्षण में जाएंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, तो तुरंत मन शांत हो जाएगा। लोग हमें विचार देंगे, गुरुजन हमें बताएंगे कि ये सब कुछ आखिरी नहीं था, क्योंकि कुछ लोग विवाह या जो प्रेम संबंध जिनसे था, या जो तुम्हारा पहला प्यार था, उससे विवाह ना होने की वजह से सुसाइड करते हैं या दूसरे को मारते हैं। और कई बार लोग जिनसे प्रेम करते हैं विवाह कर लेते हैं, कुछ समय बाद उसके बाद भी डाइवोर्स दे देते हैं या उनको मार देते हैं। कहते हैं विवाह से पहले तो कहते थे आप चंद्रमुखी, विवाह के बाद सूर्यमुखी, और बाद में ज्वालामुखी। एक ही जीवन में जब जीते हैं
तो कई प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीने की कला आनी चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि जीवन के संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए, आपस के प्रेम संबंधों को इस प्रकार से चलाना चाहिए कि आने वाली परिस्थितियों में हम लोग सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें कि प्रेम संबंध टूटा या कोई बहुत विशेष काम आपका नहीं हुआ उसकी वजह से परेशान है, तो समझना चाहिए कि ये जो संसार है कुछ समय के लिए हमको यहाँ पर एक ड्रामा में पार्ट मिला है, जिसमें हम बच्चे हैं या बड़े हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, और कुछ समय के बाद इस ड्रामा का रोल करके हमें फिर से शरीर का त्याग करना है, इस कॉस्ट्यूम को उतारना है जो कि परमानेंट नहीं है हमारे पास। उस कॉस्ट्यूम को जब तक पहना था तो उस किरदार को कर रहे थे, और कुछ समय के बाद उस किरदार की वजह से हमें दुख और सुख मिलने का विचार हुआ, लेकिन उस किरदार को जैसे आप समाप्त करेंगे फिर से उस आत्मा को मतलब शरीर को त्याग करते ही दूसरा शरीर मिलने वाला है। ऐसे कई कई जन्मों में कई कई पहला प्यार हमारा रह चुका है, कई कई लोगों से हमारे संबंध रह चुके हैं, एक ही जीवन में हम देखते हैं कई लोग कई बार प्यार करते हैं, कई बार धोखा खाते हैं, कई संबंधों में लिप्त रहते हैं और वो भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ये पापपूर्ण कर्म कहा जाता है कई बार। इसलिए हमें शास्त्रों के शरण में आना चाहिए ये समझने के लिए या ये सीखने के लिए कि जीवन को सही प्रकार सुखपूर्वक कैसे जिया जाए। जब हमारे पास इस प्रकार के संबंधों में जब कोई दिल टूट जाए तब निश्चित रूप से हमें बड़ों की शरण में आए, भगवान के नामों को जप करें, जीवन के जीने की कला सीखें और साथ ही साथ गीता जरूर पढ़ें। उसमें भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार अर्जुन अपने प्रिय संबंधी को देखकर युद्ध करने से मना कर रहा था, शोक में था, उसने भगवान कृष्ण की शरण ली, उसी तरह हमें भी भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। फिर वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आप ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर आत्मा है, इस कॉस्ट्यूम के अंदर आप आत्मा हैं और कुछ समय के बाद इस कॉस्ट्यूम को उतारना पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम कोई संबंध ना बनाए, और अगर इस संसार में ड्यूटीज़ का निर्वाह करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, तो उन कर्तव्यों के बीच में रहते हुए उन प्रेम संबंधों को स्वीकार करते हुए उसके इर्द गिर्द अपने कार्यों को करते हुए भगवान को केंद्र में रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। तो इस प्रकार हम लोग जब इन संबंधों को ठीक प्रकार से निर्वाह करेंगे, शास्त्रों की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर, तभी हम लोग इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और अगर दिल टूट गया है और इस समय बुरी स्थिति में है, कुछ सोचा समझा नहीं जा रहा, तो एक ही उपाय है कि हम तुरंत भगवान के नाम और भगवान की शरण में जाएं और ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएं जो हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन से उबार सके, जो समझा सके ये जो अवस्था आई है, ये जो परिस्थिति आई है, ये कुछ देर के लिए है, कुछ समय तक तंग करेगी, उसके बाद ये परिस्थिति चली जाएगी। फिर अपने समय को लगाइए पॉजिटिवली पढ़ाई में, अपने जीवन के अन्य कर्तव्य को पूरा करने में। कुछ समय के बाद सिचुएशन निकलते ही आप उस चीज़ को छोड़िए और फिर से अपने जीवन को ठीक रास्ते पर लाकर आगे बढ़िए। हरे कृष्ण।